सत्कर्ता। सत्कर्ता सबसे उत्तम नाम जो सतनाम, सतनाम करतार कृपा कृपा करके बख्शिए सदरा खूरधार जिसमें है अमृत ज्ञान है। माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों कर अनुराग जिसमें है अमृत ज्ञान है। माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों कर अनुराग कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद। जांदे बैकुंठा नू ऐसी जो मरनी जांदे बैकुंठा नू ऐसी जो मरनी मरदे जांदे ऐसी जो मरनी मरदे जांदे बैकुंठानो ऐसी जो मरनी मरदे बैकुंठानो जान बैकुंठानो ऐसी जो मरनी मरदे जांदे बैकुंठानो ऐसी जो मरनी मरदे ऐसी जो
मरनी मरदे, ऐसी जो मरनी मरदे। ऐसी जो मरनी मरदे, ऐसी जो मरनी, ऐसी जो मरनी मरदे, ऐसी जो मरनी मरदे। जांदे बैकुंठानों ऐसी जो मरनी, जान बैकुंठानों ऐसी जो मरनी मरदे। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए। मरने ही ते पाइए, यह मरने सब जगत तरासिया। क्या जाने किब मरेंगे, कैसो मरनो होए, जिक्र साहेब मनो ना बिसरे। सहले मरना हुए, जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया। कबीर संत मोए क्या रोइया, जो अपने ग्रह जाए रोब ता साकत बापरे, जो हाठ है हाठ बिता। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए, पूर्ण परमानंद। जग मरदा मरदा वेख लिया, जग मरदा मरदा वेख लिया, जग मरदा मरदा जग मरदा मरदा वेख लिया, जग मरदा मरदा वेख लिया, जग आशिक कदी नी मरदी। मरदा मरदा वेख लिया, जग मरदा मरदा वेख लिया, आशिक कदी नी मरदी। Thank you.
देख लिया जागा। प्यारे आशिक दी नी मरदी बाबा, आशिक दी नी मरदी। जग मरदा मरदा वेख लिया, मरदा मरदा वेख लिया जग। वीर जिस मरनी थी जग डरे मेरे मनिया, मरने ही ते पाइए पूरन परमा। गगन दमामा बाजू परियो खेत जू मांड्यो सूरमा, अब जू जन को पूरा सू पहचानिए जो लड़ै दीन के। पुरजा पुरजा काट मरे कबू न छाने। क्या जाने कब मरेंगे, कैसे उम्र न होए, जेकर सह मनु ना बिसरे तो सहले मरना होए। भगत वत्सल दीन दयाल, करना निदान सच चित आनंद परिपूर्ण ज्योत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पाक पवित्र हाजरा हजूरी अंदर आप बड़ी प्यार वाली गुरसिख संगत, रब दे प्यारे महापुरखां दे पासों कुछ समय तो लेकर के गुरबाणी दी विचार गुरसिखी इतिहास सरवण कर रहे। सो आओ जितना समा साढ़े पास रहिंदा है उसनू सफल करिए। गुरु कलगीधर पातशाह दी बख्शी हुई फतेह नूं दोहराओ जी। सारी गज गया को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमेश्वर दी कृपा हुई है सानू आ रात्री दे दीवानां दी, बाबा गुरु नानक साहिब दी कृपा दे नाल सत्संग करन दा समा प्राप्त होया। महान योधे महान सूरमे जैसे महान रूहां दा जीवन, गुरबाणी कहिंदी है भी कथन नहीं कीता जा सकदा। जैसे परमेश्वर नूं महिमा ना जाने भेद, ब्रह्मा ना जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, हर हर जन दो एक है बिब विचार कछ नाहीं, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिकै समाहे। समुंदर दे विच बहुत लहरां उठदियां ने, सतसंगत अखीर नूं लहरां उठ के समुंदर विच समा जांदियां ने। इसी तरह परमेश्वर च होए अभेद पुरुष, रब दे प्यारे नाम रंगियां रूहां योधे सूरमे, उन्हां दी शहादत उन्हां दे जीवन दा भी कोई अंत नहीं होया करना। बड़ियां कर्मां वालिओ चार सपेरे माया दी अग लगी पई है, माया दी बुक्कल च संसार बैठा है, पर आपां कर्मां वालिआं उस माया दी बुक्कल विच्चों निकल के पूर्ण सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच बैठे हाँ। दास ने उन्नी उन्नी प्रमाण भरिया सी, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जू मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ। ये अर्थ भी जिन्हों पता लग जाए ना भी ये मानस जन्म कादे वास्ते मिले है,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਦਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਸਮੈਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਤਿਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। 31% ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ। 24% ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। 15% ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ। 95% ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 2% ਵਾਲੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਅੱਗ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? 17-17 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਦੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਵੀਰ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਮਾ। ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਸੂਰਾ ਸੋਈ, ਸੂਰਾ ਸੋਈ। ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ।
लड़े दीन के खेत सूरा सोई लड़े दीन के खेत सूरा सोई लड़े दीन के सूरा सोई लड़े दीन के हित सूरा सोई लड़े दीन के सूरा सोई लड़े दीन के सूरा सो पहचानी जो लड़े दीन के हेत दूजे सुर में दी गुरबाणी भगत कबीर साहब कहिंदे दूसरा सुरमा ओ है जिहड़ा कि दीना दे दुख दे वास्ते बेदोषियां दे उत्ते हो रहे जुल्म नूं रोकण वास्ते पुरजा कट मरै कबू ना छाडै खेत चाहे उहनूं अपना परिवार क्यों ना बारना पै जे ओ अपना परिवार दी भी परवाह नहीं करता है। दूसरे सुरमे दी गल गुरबाणी ने कीती है। साध संगत गुरबाणी अथाह अज क्यों संसार चुकदा गुरु नानक दे दर ते क्यों थैं पर थैं मनाईया जांदियां ने शहीदां दियां यादां हर एक वर्ण पूजदा अज क्यों गुरबाणी अगे हर एक झुकदा है। साध संगत ईसाई धर्म दे कोल इक्को ही ग्रंथ है बाइबल उहदे विच सिर्फ रूहानी दी गल कीती है। हिंदू धर्म देख लो सनातन मत विच देख लो की है गीता है रामायण है चार वेद ने छे शास्त्र ने 18 पुराण ने जी शास्त्रां बारे गुरु महाराज बाबा गुरु नानक साहब भी आसा माला पहला छह कर छह गुरु छह उपदेश गुरु गुरु एको वेस ने बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई विश्वा चस्या घड़ियां पैरां तिथि वारी माहो हुआ सूर जे को रुत अनेक नानक करते छह घर छह गुरु छह उपदेश छह तो शास्त्रां दी गल महाराज ने कीती है। उपदेश यह भी साध संगत सांझा दिंदे ने परमेश्वर दे नाम दी वड्याई दा उपदेश दिंदे ने। साध संगत इन्हां विच भी रूहानी दी गल कीती है। ईसाई धर्म नूं देख लो इस्लाम धर्म नूं देख लो उहनां विच भी ग्रंथ ने दो कुरान ने मजीद ते हदीस ते साध संगत सिमरतियां ने पर साध संगत उन्हां विच भी मर्यादा आदक की गल की है। पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिथे भी तुसी बाणी पढ़ोगे जिन्नी क चोभी लग जाएगी जिहड़े शब्द भी तुसी उन्ना ही उहदी बयान कर सकते हो। सब दा सार साध संगत किसे धर्म के विच ग्रंथ नूं गुरगद्दी नहीं मिली केवल सिख धर्म के विच धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह हुक्म किया गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ हुक्म किया गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी मिली है जिथे गुरबाणी अध्यात्मक दा राह दसदी उत्थे महाराज ने गुरु की बाणी वीर रासी सिंघां नूं दिंदी है। सूरा सोई एक तीर नाल दो निशाने लाउण दी गल मैं करदा सो सिख इतिहास जिथे भी तुसी शहीदां दा इतिहास पढ़दे हो सब ने हस हस के कुरबानियां कीतियां। ये सब तो वड्डी देण है सिख इतिहास विच बीबी भानी जी गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। केवल संसार दे विच तुसी देखो बीबी भानी एडी उच्च कोटी की हस्ती हुई है जिहदा पिता भी साध संगत गुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज। ये कुरबानियां का दौर कितों शुरू हुंदा है किवें झोलियां पईआं है। बीबी भानी जी पिता भी गुरु
सात संगत पति धन श्री गुरु रामदास महाराज भी गुरु, पुत्र धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज वह भी गुरु, पोतरे धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक वह भी गुरु, पड़पोते धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज वह भी गुरु, पड़पोतरे दे पुत्र धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वह भी गुरु, पड़पोते दे पोते दे पुत सात संगत पड़पोते बाबा गुरदीता साहब उन्होंने पुत्र गुरु हर राय साहब गुरगद्दी ते आए, पड़पोते दे पुत भी धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज भी गुरु। एडी उच्च कोटि जदों बीबी भानी जी महाराज की शादी हुई ना भाई जेठा जी ना गुरु रामदास महाराज बाकी सात संगत बीबी भानी जिया ने अपने पिता की सेवा करनी रोज़ अमृत वेले, अमृत वेले सेवा करनी सत्संग एक दिन सेवा करद ने देखा इशनान करा महाराज न गर्म जल के नाल, सत्संग एक दिन पीड़े का पावा टुटन वाला है बीबी भानी दिस रहा है मूहरे, पावा टुटन वाला है सत्संग कहते बीबी भानी जिया ने इशनान कराद ने गुरु अमरदास महाराज के पावे दे नाल अपना चरण ला लिया भी जे पावे का पीड़े का पावा टुटे वो पावा पीड़ा हिले ना महाराज के शरीर बिरद किते हलारा ना पै जाए कोई झोल ना पै जाए मेरा पैर लग जूगा ये महाराज के शरीर में कोई कष्ट नहीं आऊगा। बीबी भानी जी हले सोचते ही ने सत्संग तेरे नूं पावा टुट जाता है, जदों वो पावा टुटिया सत्संग ताके बीबी भानी जी के चरण ते टिक गया वो पावा हलारा नहीं पैन दिता गुरु नूं असी किथे तुरे फिरदे अज की हाल होया पिया सिख कौम दे विच थां पर थां बेअदबियां हो रही ने वो धन सी माता बीबी भानी जी ने कदे अपने गुरु नूं सत्संग हलारा नहीं पैन दिता तो असी गुरद्वारिया दे विच पंज पंज सत सत बंदे होने के बावजूद भी बेअदबियां हो जांदियां ने, इतों तां चंगा बीबियां दे जिगर रहो विचार कहिंदे जदों पावा टिकिया गुरु अमरदास महाराज इशनान करदे देखदे ने भी जल लाल आ रहा है की गल पिछे नूं निगाह मारदे ने बीबी भानी नूं आवाज़ मारी कहिंदे ए पुत्री जल लाल हो गया की गल, जदों थले नूं नेत्र मारदे ने सात संगत पीड़े का पावा टुटिया होया है वो पावे दियां मेखां बीबी भानी दे चरण विच खुबियां होईयां ने, बाबा अमरदास साहिब गुरु अमरदास जी सात संगत बीबी भानी दे इशनान करके बीबी भानी नूं कोल बुलाया, बीबी भानी नूं कहन लग्या भानी तेरी सेवा कबूल है गुरु नानक तेरे ते खुश है मंग की मंगदी है, मंग लै अज गुरु नानक दे दर तो जो तू मंगेगी सोई तेरे बेड़े पार हो जाणगे तेनू गुरु नानक दे दर तो अज वह मिल जाना, क्यों ये अवस्थावां किनू मिलदियां ने जिन्हां ने गुरु घर दे विच अपने गुरु नूं सब कुछ ही मेरा मुझ में किछ नहीं जो किस है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा, की लगता है सच्चे पातशाह मैं तेरी कहने गुरु अमरदास महाराज जो इन्ना बचन करते ने बीबी भानी जी हाथ जोड़ के गुरु अमरदास महाराज नूं बेनती करते ने सच्चे पातशाह जे तुसी साडे ते टुठे ही हो गुरु नानक जी साडे ते खुश होया कृपा करो और गुरु नानक की गुरगद्दी सोढ़ी वंश विच आ जाए, बोलो सतना सोढ़ी कुल विच गुरु नानक की गुरगद्दी की बख्शिश कर दो। सात संगत गुरु अमरदास महाराज सुन के बड़े हैरान होए कह बीबी भानी तू गुरगद्दी पीछे, कहने गुरु अमरदास महाराज बीबी भानी नूं कोल बुलाया तो बिठा लिया सामने मेरा परिया हाथ सिर ते रखिया ते बीबी भानी नूं कहण लगे भानी सामने देख तैनूं की दिखदा, बोलो सतना श्री वाहेगुरु, सामने देखिया सात संग सुरख लाल तवी ते इक महान आत्मा बैठी है ते मुखो इको ही गल कह रही है मिठा लगदा गुरु जी तेरा पाना जी मिठा लगदा मिठा लगदा गुरु जी तेरा भाणा जी
मिठा लगदा मिठा गुरु जी तेरा मिठा लगदा गुरु जी तेरा मिठा लगदा गुरु जी तेरा पाना जी मिठा लगदा लगदा गुरु जी तेरा पाना जी मिठा लगदा गुरु जी तेरा तेरा किया मीठा लागे ओ महान आत्मा मुख विच इको आवाज आ रही है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे बीबी पानी जी देख के हैरान होगी ऐनी तगड़ी तू तवी सुरख लाल होई पी है पाके तत्ती होई पी है चम तवी नू चिंबड़िया पे है ते फिर भी मुखु ही कह रहे ने तेरा किया मीठा लागे है बाबा जी पिता जी धन गुरु नानक दी तीजी जोत गुरु अमरदास साहब ये महान आत्मा है कौन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे बीबी पानी ए पुत्री जे गुरु नानक दी गुरगद्दी सोढ़ी कुल विच लियाउणा चाहुंदे हो ना आ जिहड़ा सुरख लाल तवी ते बैठा तेरा पुत्र ही है बोलो सतना सात संगत मां नूं पता होवे भी मेरे पुत्र ने मेरे पुत्र नाल आ हो जाणा है मां कदे नहीं ओह राह वल तोरदी और आई बदल देगी पुत्रा तू इधर नहीं जाना पर धन सी माता धन सी बीबी पानी जी सब कुछ पता होने के बावजूद भी कहते होर हले इत्थी बस नहीं कहते गाहां देख तेनू की दिखद एक गोल चौंक दिखद वो चौंक दे विच महान आत्मा एक शरीर बैठा उदे सामने तीन शरीरां नूं तसीहे दत्ते जा रहे ने धन बाबा मती दास धन भाई सती दास जी धन बाबा दयाला जी उबलदे देगां विच उबालिया जा रहा खीर विच वो महान शरीर का सीस धड़ तो जुदा कर दिता बोलो सतनाम बीबी पानी कहन लगी पिता जी ये कौन नाले अखां चो बिराग दे हंजू आउंदे ने सात संगत गुरु इतिहास जदों चलदा बिराग आउंदा पर सात संगत ओ हंजू किते पखंड देना होण जे तुसी गुरु दी याद विच इक रूह करके भी तुहाडे बिराग दा हंजू आ गया ना ओ करोड़ां पापां नूं धो दिंदा बोलो सतनाम देखते ने कहते कहते महाराज ये कौन कहते फिक्र ना कर बीबी पानी ये तेरा पड़पोत्र है जेड़ा शहीदी दे रहे अगे फिर दिखाया कहते गाहां दे की दिखद गुरु के लाल कसमान युद्ध मचिया पे है सिंह शहीदियां दे रहे ने
दो रब दे प्यारे दो रंगियां रूहां दवारां च चिण रहे ने। कहंदे ये कौन? कहंदे आ बीबी पानी जी, ये थोड़े पड़पोतरे दे पुत्रां दे पुत्र लाल ने, इन्हां नूं भी ऐं शहीदियां। पिता जी तरस नहीं आउंदा जालमां नूं? बीबी पानी जी कहन लगे, कहंदे जिहड़ा होया ही जालम उन्हें तरस की करना। कहंदे ऐं शहीदियां होनियां ने तेरे परिवार चों, तेरे परिवार दे टोटे टोटे लहू लहू हो जाणा। दस चाहींदी है गुरु गद्दी? बीबी पानी दे अखां चों विराग दे हंझू आउंदे ने। सात संगत नाले झोली अड ली बीबी पानी ने। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार। सच्चे पातशाह जे जिंद तेरे चरणा च निकलदी होवे, मैनू होर की चाहींदा। मैं झोली अड़दियां सच्चे पातशाह जे इन्ना कुछ करवाओगे, अपना सिर ते मेरा भरिया हाथ रखियो। आ गुरु नानक दी गुरगद्दी सोढ़ी वंश विच लै दो। बोलो सतनाम। उदों तो गुरगद्दी धन श्री गुरु रामदास महाराज भाई जेठे तो गुरु रामदास जी बनाए, जिन्हां बाबत पर प्रमाण आउंदे ने, डिठे सब थाप नहीं। जिन्हों लोग दुनिया जतीम कहिंदी सी, कहिंदे सी वी किहनूं कुड़ी देनी है, किहने देनी है। अज उहदियां लावां दे पाठ तो बिना ब्याह नहीं हुंदे। बोलो सतनाम। उहदी लावां तो बिना, उहदे पाठ तो बिना ब्याह नहीं हुंदे। जे किसी नूं सहारा नहीं मिलता, वह दर ते जाके मिलता। जिन्हों कहिंदे सी भी इहनूं रोटी किहने देनी है, अज किन्ने लखां दे तनां दे हिसाब च उत्थे लंगर पकदे ने। सात संगत अपने दोहते नूं, दोहता बाणी का बोहता वर दत्ता धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਣਨੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ। ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਵੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਝੱਲ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਤਿਲਕ ਜਿੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ, ਕਿਨੋਂ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਛੇ ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ।
सत्संगत फैसले तो बाद अज 6 पो नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज 5 पो नू फैसला करके सीस गए श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के सीस नू धड़ तो जुदा किया। उत्थे जाके महाराज ने जिस जगह ते सीस जुदा होया सी उत्थे नमस्कार की थड़ा साहब से, किते वो आम थड़ा ना मन लियो, किते ये ना कह दिए भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज मटिया नू पूजदे सी, नहीं, सात संगत उत्थे ओ सीस लिहा सी जिहड़े जुलमां दे अगे जुलम दे बादशाह अगे नहीं सी चुकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थे जाके होका दत्ता, कहिंदे है कोई गुरु दा प्यारा, असी आनंदपुरी छड के जाणा है, कोई आनंदपुरी नू सांभूगा। ते उत्थे भाई महादेव जी उदासी ने, उन्होंने महाराज नाल बचन किया, कहिंदे महाराज जी साडा सेवक साडा तां कहदा तुहाडा ही है। भाई गुरबख्श राय कई इतिहासां च दास भी लाया उन्होंने नाम नाल, सच्चे पातशाह आनंदपुरी दे हुण ये राखी होणगे। उत्थों महाराज फिर 6 पो नूं तैयारी करदे ने, 80 साल तो उत्ते उम्र धन माता गुजरी जांदी, 5 मुक्ते 5 प्यारे महाराजियां दे साहिबजादियां नूं सारे महाराज दे गुरु के महल स्नेहा लाता भी अज आनंदपुर का किला छड़ना है। अज वो रात है, अज वो दिन है जिस दिन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज आनंदपुर के किले नूं छड़ के जा रहे हैं। बसिया बसाया घर छड़ना, चल पे महाराज सात संगत, चलण तो पहला बाबा फतेह सिंह जी सब तो छोटे साहबजादे स्नेहा लवाया, कहिंदे मेरा दिल करदा मैं अपने वीरां नूं मिलां, जिद करदे ने मैं वड्डे वीर नाल बैठना है, पर नहीं, क्यों महाराज नूं पता सी करन नूं की नहीं सी कर सकदे। साध संगत जिहड़ा गुरु अपनी कलम दे नाल, कलम दी इन्नी ताकत सी, जफरनामा लिख के ही औरंगजेब नूं मारदा सी। कहिंदे बाबा फतेह सिंह जी कहन लगे मेरा दिल करदा मैं अपने वड्डे भरा बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी दे दर्शन करा, उन्हां नूं गलवक्कड़ी पा ला। कहिंदे उत्थे गलवक्कड़ी पाउंदे ने बाबा अजीत सिंह जी नूं, ते उत्थे शब्द पढ़दे ने नदियां वाहे विछुनिया मेला संजोगी राम। ऐ उत्थे बराग दा समा उत्थे तारना पढ़ते ने, बाबा अजीत सिंह नूं कहन लगे भराता जी हुण तुसीं कदों मिलोगे। उत्थे फिर बाबा अजीत सिंह जी इन्हां शब्दां दे विच बोलदे ने, नदियां वाहे विछुनिया मेला संजोगी राम, जे कोई नदी विछड़ जे ना उह किते संजोगां नाल ही इकट्ठे हुंदे ने, संजोग विजोग तो एकार चलावै। बाबा अजीत सिंह जी कहना करदे ने हुण तां होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां तो नीर विछड़े, हुण तां होणगे संजोगां नाल मेले, नदियां तो नीर विछड़े। ਸਬੱਬੀ ਭਾਈ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ, ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ, ਨਦੀਆਂ
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਤ ਹੈ ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਮਿਲਾਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਬਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਜੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੀ ਉੱਦਣ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਣੇ ਹੀ ਉੱਦਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਸੇਗੀ, ਇਹ ਬਸੇਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਬਚਪਨ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਚੱਲੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਬਚਪਨ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਸੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਬੱਤੀ ਝਾੜੂ ਆਦਿਕ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਗੰ ਕੇਸੰ ਨਾ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੇਦਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਕੇਸੰ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੇਦਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਕੂਚ ਚੱਲੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਅਜਬ ਸੀ ਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਅਜਬ ਸੀ ਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਪੁਰੀਏ, ਸੁੱਖ ਅਜਬ ਬੜੇ ਸੀ ਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖ ਅਜਬ ਬੜੇ ਸੀ ਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਅਜਬ ਸੀ ਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਮੋ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਮੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਿਟਾਏ ਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਿਟਾਏ ਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰੇ, ਆਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰੇ,
विच बहुत सुख माणे, किन्ने जीवां दा भला कीता, बड़े तरह के आनंद माणे ने, पर तू सदा वसदी रहे। सात संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन की सब तो वड्डी मिसाल, सात संगत जिधर वल फेरा पाए मुड़ के उधर वल नहीं गए। बोलो सतना। छोटी उम्रे पटना साहब छड्या, मुड़ के पटना साहब नहीं गए, आनंदपुरी नू छड्डे मुड़ के आनंदपुरी नहीं गए। बोलो सतना। अज छड़ चले ने बर दे के, अज तो तेरा साडा साथ नहीं है, उतो मारा चलते ने ते सात संगत मारा तुरदे तुरदे कीरतपुर साहब पहुँचते ने। अगे भाई मनी सिंह हुरे ने, पिछे सब तो पिछे बाबा जीत सिंह हुणी, ते सब तो पहला सात संगत वार करिया पापी राजा अजमेर चंद ने, वजीर खां दे नाल रल के वार करिया। हले महाराज कीरतपुर साहब पहुँचे सी, सात संगत पिछों वह वार संभालिया बाबा अजीत सिंह जी ने, जिथे आपां शाही टिब्बी कहने आ। सात संगत उत्थे शहीद होए बाबा उदय सिंह जी, हस हस के शहीदियां पाईयां। कबीर जी स्मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, रिश्ते भी सात संगत वो भाई मनी सिंह जी दे सपुत्र सी। उस टिब्बी दे उत्ते भाई मनी सिंह जी दे पंज पुत्र ते दो भरा शहीद होए। उदय सिंह एक ऐसा महान योद्धा सी जिन्हें राजा केसरी चंद का सीस धड़ तो जुदा करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों भेट करे। कल्ले ने सात संगत शेर की खल लिया के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों की भेट की। ऐसा महान योद्धा वो जंग दे विच शहीद होया। इधर महाराज कीरतपुर पहुँचते ने, छे पो दी आ समय उस समय जो महाराज कीरतपुर की धरती से पहुँचते ने, ते उधर पिछे बाबा उदय सिंह जी शहीद होए ते बाबा अजीत सिंह जी पहुँचते ने। अमृत वेला होया सत पो दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब तो वड्डे प्यारे भाई दया सिंह नूं कहन लगे, दया सिंह इंतजाम कर सानू भुख बहुत लगी है। बोलो सतना। अमृत वेला होया पे है, इंतजाम करो, इन्ना वचन करता। भाई दया सिंह कहन लगे भी चार सपेरे तो कोरा पैंदा, किसे पासे दीवा नहीं दींदा, ना कोई बत्ती जलदी दींदी है। ते गुरु महाराज कहिंदे सानू भुख लगी, अगे तां कदे कहा नहीं, मन विच शंका कर लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई दया सिंह नू कहन लगे, दया सिंह किते ए ना सोची भी गुरु नू किसे पदार्थ दी भुख लगी है, सानू तां भुख उस वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दी। सानू कीर्तन सुनाओ सब की सब तो वड्डी भुख है। सात संगत उत्थे एक पासे जंग चल रही है, दूजे पासे सात संगत कहंदे इतिहास दसदा बाबा उदय सिंह जी तीन घंटे, कई इतिहासां च लिखिया पांच घंटे भी एक घड़ी, पहाड़ मांगू अडोल खड़ के सात संगत जंग लड़िया बाबा उदय सिंह जी ने। इधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले सरंदे ते आप अपने हथीं कीर्तन करते ने आसा जी की वार का। उत्थे महाराज ने सिद्ध किया सिख ते जिन्नी मर्जी भीड़ पई होवे गुरसिख अपना नितनेम ना छड़े। इबादत साडियां सात संगत नीहां ने ते शहीदियां गुंबद ने। गुरु घरां ते देखदे आ ना गुंबद सोभदे ने, जे इबादत नाल नीह पक्की होएगी, जे नीह गहरी होएगी तां ही गुम्मत खड़दे ने, गुम्मत भी नहीं खड़दे। जिथे भी देखो जिन्हें भी शहीदां ने शहीदियां दत्तियां ने, किन्नी बाणी दे धनी सी सात संगत। धन भाई मती दास जी का शरीर आरे नाल चीरिया गया, तां भी दो फाड़ होके भी श्री जपजी साहब की बाणी की आवाज़ आ रही है। बोलो सतना।
इबादत साड़ी सत्संगत नहीं है ते शहीदियां साड़ियां गुम्मत ने, नीहां तो बिना गुम्मत भी नहीं सौंप दे। ते असी कंडे दिना दुख भी नहीं झल सकते। धन सी ऐसे गुरु दे प्यारे, धन बाबा बहादुर सिंह जी महाराज, क्यों इबादत से मैं बोलदा चरण ते खेड़ वापरी हुई थी, फिर भी सात संगत 12 बजे तो बाद इशनान नहीं छड़े। अमृत वेले दिया परेशन होया होवे सातु इशनान हुंदे नहीं। ऐसे गुरु के प्यारे महापुरख आ धन है धरती जीते, धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज 6वें पातशाह, आ धरतियां दे चरण पाए ने उन्होंने। गुरुद्वारा रामसर साहब रोह विचार गुरु गोबिंद सिंह महाराज कीर्तन करते हैं आसा जी की वार का, तो उधरों जंग चल रहा है। बाबा उदय सिंह जी तो बाद भाई बचित्र सिंह जी महाराज सत्संग, जिन्होंने एक नागनी दे बार दे विच 7 तवियां पाड़ियां सी, नजिठू कोई सूरमा, एक नागनी दे बार नाल 7 तवियां पाड़ देना, ये बंदगी तो अलावा किसी होर का काम नहीं हो सकता। ये महाराज ने कीर्तन समाप्त किया, मैं तो धन कहना गुरु गोबिंद सिंह महाराज, थोड़ा जिगरा धन, पिछे भी दुश्मन अगे भी दुश्मन, ये ऐसी खेड वापरती है। सरसा नदी भी चढ़ी आँदी है, अज उत्तों जोरां दा मीह पै रहा है, जंग चल रहा है, तो सरसा नदी चढ़ी आँदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चढ़ी सरसा की नदी के विच चल पे, उस काली रात के नाल नाल महान बड़े बड़े साडे ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतिहास दसदा, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हाथी रचिया होया 1 टन का ग्रंथ साध संगत सरसा नदी के विच रुड़ गया। जे सब तो खजाने नाल भरी हुई तुसी नदी देखनी है तो सरसा नदी हो है। किन्ना खजाना उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, ते सरसा नदी उत्ते महाराज ने पढ़ना। वो सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया माता पिता लाला, नदी ते विछोड़ा पै गया माता पिता लाला ना। माता पिता लाला सरसा नदी ते विछोड़ा। महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 40 सिंघां दे नाल सत्संग रोपड़ किन्नी नूं हो गए, क्यों काली नेरी राज की पता लगता है। महाराज गुरु के महल माता सुंदर कौर जी महाराज दिया महल ते कुछ क सेवक उन्हां दे नाल दिल्ली वल नूं होए, तो सात संगत सत पोह नूं छोटे साहबजादे ते माता गुजरी जी, सात संगत 80 साल तो उत्ते उम्र होई पई है, उन्हां दा विछोड़ा पिया वो चल पे। इधरों महाराज रोपड़ नूं जांदे ने, माता गुजरी जी छोटे साहबजादियां समेत, ऐ बीबीओ साढ़े तो तुरिया नहीं जांदा, हड्ड बजुर्ग हो जाण, आ पोह दियां रातां च करिया जांदा ठंडे पानी नाल इशनान। ठंडे पानी दे विच्चों सारे सात संगत वस्त्र पानी दे नाल भिजे पए ने, छोटे साहबजादे हुण जिथे शरीर है उत्थे सब कुछ बने है, गर्मी सर्दी सब कुछ बने, सुख दुख सब कुछ बने है, पर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जाए जिन्हां ने ना सर्दी मनी ना गर्मी मनी ना ईन मनी है, जुल्म दे विरुद्ध डट के खड़दे रहे।
सात संगत कपड़े भिजे पए ने छोटे साहबजादियां दे, तुरिया नहीं जांदा, तुरिया नहीं जा रहा। माता गुजरी जी नूं बाबा फतेह सिंह जी कहण लगे, माता सातों तुरिया नहीं जांदा, किते दामी दवा दिओ। सात संगत उत्थे इक वड्डा पत्थर, जंगलां च की हुंदा है, एक दरख्त दे हेठां इक पत्थर ते बाबा फतेह सिंह जी नूं ऐ गोदी चक के माता ने बिठाता। कहिंदे मूल नालों ब्याज चंगा प्यारा हुंदा ज़्यादा, पुत्तां नालों पोतरे ज़्यादा प्यारे हुंदे ने। तो देख लांगे, दादी देख लो अपने पोते नूं इह हाल च नहीं देख सकदी, असीं वी किहड़ा देख सकदे हैं। वड्डा जिगरा करके सात संगत जिथे जिथे तुरे जांदे ने, माता नूं पता ही सी, जिथे तुरे जांदे ने नाल नाल जांदे हुए साहिबजादे ने किते डोल ना जाण गुरु के लाल। सात संगत धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दीआं कुरबानियां याद कराउंदे जांदे ने। कुरबानियां बीबी ओ हुण तुसीं लोरियां दे दे के समाउनी ओ, लोरियां धन माता गुजरी ने जे लाला नूं खड़ाउणा तां वी बाणी पढ़ाउणी, लाला नूं समाउणा तां वी बाणी पढ़ाउणी, ते बाणी पढ़ाउंदे होए उहनां दे जिगरे नूं होर तगड़ा करदे होए, आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साईं गल चंगी। सिख धर्म विच शुरू तो एक कोई मंजिल नहीं लई, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहिब तो आए, कोई मंजिल सी भी किथे नूं जाणा है? नहीं, आनंदपुर तो चल पे, कोई मंजिल ही नहीं सी भी किधर नूं जाणा है। जिधर नूं करतार लजांदा गया माता गुजरी, छोटे साहबजादे ने कोई गल कहंदी रही, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांग है। थोड़े दादिया ने थोड़े बजुर्ग ये गल कहंदे रहे ने, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। कहंदे छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी कहंदे ने, मां रात हनेरी पै गई, सतपो दी रात हो गई, हनेरी रात पई जांदी है, कोई मंजिल है अपनी? मां सानू ठंड लगदी है, किथे नू जावांगे, किथे नू अम्मीए जावांगे, किथे नू अम्मीए जावांगे। हले शरीर किन्ना कु सी, 5-7 साल दी उम्र सी बाबा फतेह सिंह जी दी। माता गुजरी एक तोतली जी आवाज दे विच माता नूं कहना, बस रुकिया नहीं गया, बराग भी माता नूं आउंदा है, ते बाबा फतेह सिंह जी अपनी मिठी आवाज विच बोलदे, किथे नू माता जावांगे, तेनू माता जावांगे, किथे नू, किथे नू माता, उतो रात पई हनेरी, किथे नू अम्मीए, किथे नू अम्मीए जावांगे, रात पई हनेरी, किथे नू अम्मीए, रात पई हनेरी, किथे नू जावांगे, मां रात पई जांदी है। आले दुआले दे जंगलां दे विच्चों भयानक आवाजां आउंदियां ने, बगियाड़ां दियां आदक, ते माता गुजरी जिथे परमेश्वर लै जे, आपे हर इक रंग है अपने पोतियां नूं कहिंदे जांदे ने, लालो ये परमेश्वर दा पाणा है, उहदा रंग है, देखो आपां कल तक आनंदां दी पूरियां च खेड़दे सी, ते अज आ गरीबी दावे, जिथे लै जावे करतार उथे नू लालो, उथे नू लालो जावांगे, जिथे लै जावे करतार करतार उथे नू लालो, लै जावे करतार, जिते लै जावे करतार, तेनू लालो,
ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਲੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਨ ਸੀ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸੱਤ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਜ ਭਗਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆਸ ਹੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਆਸ ਕੀਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਦੋ ਲਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਲਾਲ ਐ ਪਿਓਏ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਬਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਏ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਪਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪਾਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਓ
ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਠ ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਸੱਤ ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਹੀ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਠਾ ਤਪਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਨੇ ਪਾੜ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਪੱਠਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਨੀਲੇ ਨੇ ਪਾੜ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਪੱਠਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੂਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਆਇਆ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਇਆ ਪਵਾਇਆ ਪੱਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਵੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਅੱਜ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਇਧਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਲ ਭਾ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
सत्संग तलाशी जो होंदी होंदी कमरे कोल पहुंचे ना निहंग खां मूहरे हो गया। कहिंदा ना जी ये कमरे नूं ना छेड़ियो, ये कमरे दे विच मेरा धी ते मेरी जवाई आराम करदे ने। बोलो सतनाम। सत्संग जवाई बना लिया। अंदर बीबी ममताज बैठी ये गल सुनदी है। इतिहास दसदा कहिंदे जदों बीबी ममताज दा निकाह करना सी ना रिश्ता, निकाह बारे कहा बीबी ममताज ने मना करता, पिता जी जदों फौजां आईयां सी ना चढ़ के अपने घर, तुसीं इक गल कही सी वी आ कमरा ना खोल्यो, मेरी धी ते मेरा जवाई आराम करदे ने, मरनी मर जूंगी पर दूजा विआह नहीं कराउंदी। बोलो सतनाम। उस दिन तो ही मैं तां बचित्र सिंह नूं अपना पति मनदी आं। बीबी ममताज दा एडा सबर, रोपड़ दे लागे पिंड बड़ी है, उत्थे बीबी ममताज दियां दे नौं ते गुरु घर बणिआ, जिथे बीबी ममताज दियां ने सारी उम्र जत सत विच रहिंदे होए 110 साल सत्संगत बंदगी विच गुजारे। ते सत रात दी पोह नूं रात नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी पहुंच गए। ये दो भरावां की हवेली सी, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू दित्ती। ते अठ पोह नू सात संगत भारी जंग हुंदा, इधरों माता गुजरी जी नू अठ पोह नू गंगू बामण अपने घर लै जांदा है। भारी जंग हुंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज पांच पांच सिंघां दा जथा बना के भाई जीवन सिंह वर्गे महान सूरमिया नूं चमकौर की गढ़ी च भेजते हैं। महाराज के नाल किले के उत्ते दोने साहबजादे खड़े ने, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी। किले ते खड़े जंग देखते ने। सात संगत कहिंदे चम चम नूं खिच लैंदा है, चुंबक लोहे नूं खिच लैंदी है। सिंघां दा खौलदा खून दे के बाबा अजीत सिंह महाराज तो रिहा नहीं गया। सात संगत तैयार पर तैयार होकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो आग्या लैन चले गए। ए महाराज हुण मैं जाना चाहुंदा जंग दे मैदान विच, मैनू जूझण लई तुसीं थापणा दिओ। भाई दया सिंह महाराज रोकदे ने, महाराज आग्या ना दिओ, जे लाला नूं कुछ हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने परवाह नहीं की। तौर ते सात संगत बाबा अजीत सिंह महाराज लखां ही बैरियां नाल जूझदे होए अठ पोह दी जंग दे विच शहीद हुंदे ने चमकौर दी गढ़ी विच। तन गुरु कलंगी साहब सच्चे पातशाह तेरा जिगरा सामने लाल शहीद हुंदे होण, तसीए दत्ते जांदे, ऐ देख लैणा खड़ के सातों गुर हस्पतालां च मरीज नहीं देखिया जांदा, जवाक दे ग्लूकोस लग जे तां नहीं देखिया जांदा। चौ हो गया बाबा जुझार सिंह दियां ने मन च, मेरा वड्डा भरा शहीद होया, मैं भी चाहुंदा मैं भी शहीद होवां, मेरे भरा वांगू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आग्या लैके बाबा जुझार सिंह भी जांदे ने चमकौर की गढ़ी विच जूझदे ने। ते उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज लाला नूं जूझदिआं देख के, दोवें लाला नूं शहीद हुंदिआं वेख के छड्डे सी जयकारे गुरां ने, लाला नूं शहीद हुंदिआं वेख के छड्डे सी जयकारे गुरां ने।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जकारे छड़े खुशी दे विच ते ओ परमेश्वर वल हाथ जोड़ के बेनती करदे ने, सच्चे पातशाह अज मेरी कीती हुई अरदास कबूल, क्यों जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज गढ़ी विच पहुंचे ने उस रात नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप पहरा दिता, सारी रात जागे कहिंदे। फिर उस रात गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साहबजादियां दे कोल बह के अरदास कीती सी, ऐ सच्चे पातशाह तेरा भाणा ऐसा है, मैं चाहना मेरे दोवें लाल बाबा आनंद सिंह महाराज वचन करते होंगे, हर प्यो अपने पुत्र वास्ते कोई ना कोई वस्तु मंगता है, माँ प्यो मंगते अपने पुत्र वास्ते, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जे मंगया भी अपने लाला वास्ते तो सासंद की मंगे है, ऐ अकाल पुरख सच्चे पातशाह जे मेरे लाल जंग विच शहीद होण तां वध तो वध फट खा के शहीद होण, बोलो सपना। भाई दया सिंह जी तेदर अठ पो नू दी रात माता गुजरी जी गंगू बामण दे घर कटदे ने, मन बेईमान हो जांदा है, क्यों तरसा नदी ते जदों विछोड़ा पिया माता गुजरियां दे कोल एक मोहर दी थैली ओ रह गई सी कोथली, ओ मोहर ते मन डोल गया साध संगत, ये मन डोले ना तो डोले लखां ते नहीं डोलदा, जे डोल जे तां साध संगत एक कौडी ते ही डोल जांदा है, एक मला सी साध संगत कहिंदे आथण दा वेला एक बाणीए नू नदी दे किनार पार लाउण गया ना, वो बाणीए दी सोने दी मोहरां दी थैली उहदी बेड़ी विच रह गई, साध संगत भज के फड़ाउण जांदा पिछे, जदों वापस आ के बेड़ी नू जिंदा लाउंदा एक जवाक अपना रुपया लभदा फिरदा सोने दी मोहर, साध संगत देखदा भी बच्चा देखी जांदा की गल, बच्चे नू पुछिया की गल होगी आथण दा टाइम है तू की पाली जांदा, कहिंदा जी मेरी एक मोहर डिगी सी वो लभदा, साध संगत कहिंदा चल कोई ना मैं लभा दिंदा, लभण लग गया साध संगत धरती ते डिगी हुई मोहर, कहिंदे ओ मलाह दे हाथ लग गई, उन्हें थां ती पैर धर लिया, बोलो सतनाम, उथी पैर धर लिया, ये तो मन एडा मूर्ख है किथे दा तू लखां दा माल ओ बाणीए नू फड़ाउण जाना है, हुण एक पैसे एक कौडी पिछे ही डोल गया, ये मन तो ऐसा है। ओ शहनशाह दीन दुनिया दे बाली दे चरणां विच रह के ही गुरु घर दा रसोईया होकी गंगू बामण माया ते डोल गया, वीर खान दे लालच च आ गया साध संगत, इधरों नौ पौ नू वजीर खां नू सारी खबर देती भी साहबजादे मेरे कोल ने फड़ के लै जाओ, ते इधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नौ पौ नू लाल शहीद हो गए, भाई दया सिंह पंजे प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू बेनती करदे ने, सच्चे पातशाह तुसी आ किला छड के चले जाओ, ये साडा हुक्म मनो चाहे बेनती। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई संगत सिंह जिन्हों का स्वरूप बिल्कुल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वर्गा सी, उन्हूं कलंगी दे के आप सादे बाने विच चमकौर दी गढ़ी विचों लंघदे ने, ते सिंघां नूं कहिंदे ने सिंघो किते ना सोचियो गुरु गोबिंद सिंह डर के चमकौर दी गढ़ी चों लंघिया, कहिंदे मैं ऐवें नहीं जांदा, उत्थे गुरद्वारा ताड़ी साहिब बणिया होया, अद्धी रात नूं किले विचों ताड़ी मारदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज चलदे ने, चरणां विच महाराज दे हीरे लालां नाल जड़ी जुत्ती पाई हुई तार लैंदे ने महाराज, भाई दया सिंह कहन लगे महाराज आ जोड़े तार ते की गल,
नाले जाने वाली अपनी पुत्रां ते कफन दा पाजो, गज के बोलो सतनाम। जाने वाली कफन दा पाजो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, कहंदे दया सिंह है तेरे कोल इन्ना कपड़ा, इत्थे साडे दो लाल नी, ये साडे सारे सिंघी लाल ने, बोलो सतनाम। इन पुत्रन के शीश परिवार दी ये सुपचार, चार मोए तो जीवत कई हजार, ये साडे सारे लाल ने, जे तेरे कोल इन्ना कपड़ा है तां सारयां दी कफन पा दे, इत्थे कोई मेरा कोई तेरा नहीं है। अद्धी रात नूं महाराज भाई संगत सिंह नूं, फिर नौ पोह दी रात नूं भाई संगत सिंह नूं कलंगी दे के जांदे ने, ते इधरों भाई संगत सिंह दी शहीदी हुंदी है। इधरों नौ पोह दी रात माता गुजरी ते छोटे साहिबजादे मरिंडे कोतवाली दे विच, ते दस पोह नूं वजीर खान दे कोल पेश करिया जांदा है। अज जिते फतेहगढ़ साहब, जिथे किते अज उस समय सुनमन होगी नगरी, भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल आए है, माता गुजरी कैद किते है, ते सात संगत अज तां असीं मेले ही बनाए पए ने, बोलो सतनाम। भांत भांत दे लंगर चला के ऐ शहीदियां नहीं मनाईया जांदियां, देखे है बड़े बड़े झूले लगते ने, चीकां पैंदियां, किते तां सात संगत तो धरती विचों नाम दी गूंज आउणी चाहीदी है, ते असीं सात संगत माफ करना दाड़े रंग रंग के शहीदी दिहाड़े मनाउंदे फिरदे आं, बोलो सतनाम। ते उत्थे दस पोह नूं फिर माता गुजरी ते छोटे लाला नूं ठंडे बुरज विच कैद करिया, सिखर कोलों नदी वगदी सी, बड़ियां मशक्कतां चलियां। ग्यारह पोह नूं वजीर खान की कचहरी लगती है, लाला नूं लैण आउंदे ने माता गुजरी, लाला दे हिरदे नूं करड़ा करके तोरदी है, लालो किते डोल ना जायो, तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र हो, पुत्र तो हुण तुसी सपुत्र बन के दिखा दिओ, बोलो सतनाम। कहिंदे लजाई जांदे ने, वजीर खान ने वड्डा गेट बंद करवाता कचहरी का, कहिंदे छोटे गेट विच दी आउणगे सीस झुका के, साहिबजादियां ने सात संगत हंकार तोड़िया, सीस दी जगह पहला उस गेट राही अपने चरण टकाए, बोलो सतनाम। न्याणे जाण के सात संगत साहिबजादियां नूं सिखाउंदे ने भी सलाम करो राजे नूं, पर सलाम नहीं कीती साहिबजादियां ने उत्थे, लाला फतेह दा जयकारा छड्डिया सूबे दी कचहरी जाएंगे, फतेह दा जयकारा छड्डिया सूबे दी कचहरी जाएंगे। ਜੈਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦਸ ਪੋਹ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ
इकट्ठे करके सत्संग संस्कार किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह के गए सी जाते हुए, कहिंदे भाई अपनी अपनी मर्यादा नाल सब का संस्कार कर दिओ। कुछ मेरे वर्गे विच सियाने हुंदे ने, कहिंदे इकट्ठे कर दो, कुछ नहीं हुंदा विच ही संस्कार। गुरु गोबिंद सिंह तां कह के सी अपनी मर्यादा नाल। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं इह गल दा पता लग्गिया, मुख विचों बचन कढ़िया, कहिंदे लै भाई कठियां दा संस्कार करता कोई मर्यादा आदक नहीं रखी। जिन्हां दा विच तुसीं कठियां संस्कार करता उही सिखां दे घर मसंद बन बन के जन्म लैणगे। बोलो सतनाम। अज असीं सिखां दे घरे जन्म लै के दाड़े कटाउणे आ, मसंदां तों घट काम नहीं है। केसां दी बेकदरी करनी आ, शेपां करवाउणियां, पग्गां नूं स्टाइल ही बनाता। बोलो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह ताज बख्शी है। ताज राजा देखते हैं ना, 24 घंटे सिर से सोभद राजे दे। कदे देखिया राजा ताज तो बिना चलता? इतने जो जी करद रात होंगी टोपियां ले लें, सवेर होंगी पग्गां बन लें। कदे सोचा करो कुरबानिया नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ पग्गां दा ताज बख्शिया दस्तारा दा। ते तो दस पो नूं बीबी हरशरन कौर नूं पिछों आके घेरा पा के साध संगत जल्दी चिखा दे विच धक्का देता। बोलो सतनाम। ते 11 पो नूं फिर 12 पो नूं कचहरी लगदी है, थोनू लालच दिंदा है लाला नूं, थोनू असीं खिडौने देवांगे, तरह तरह के पदार्थ देवांगे, इस्लाम मत कबूल कर लो। पर लाला दा हिरदा किथे डोलदा है? मलेरकोटले दे नवाब नूं भी बुलाया, पर सात संगत वह भी वजीर खां नूं कहिंदा, वजीर खां क्यों जुल मटाउणा है? तेरा वैर गुरु गोबिंद सिंह लाल है, लाला नूं तां छड्ड दे। कहिंदे लाला नूं पुछण लगे, लालो तुसीं की करोगे जे तुहानूं छड्ड भी दईए? कहिंदे करना की है, अपने पिता दे पाए हुए पूरनियां ते चलांगे। कहिंदे जुल्म दे खिलाफ सदा ही लड़दे रहांगे। कहिंदे वजीर खान ने उत्थे फिर काजियां तो उल्ट फतवा लवाया, कसूर तां कोई है नहीं। फिर 12 पो नूं साहिबजादियां नूं, छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणन दा हुक्म दित्ता। बोलो सतनाम। कहिंदे लाला ने हस हस के हुक्म कबूलिया। कहिंदे सच्चे पातशाह अपने दादियां दी कीतियां हुई कुरबानियां ते बोलदे ने, तेरा किया मीठा लागे। कहिंदे जाके माता गुजरी नूं दसदे ने, मां असीं कहिंदे कल नूं मां अपने दादे दी गोदी विच जाके आराम करना है। माता गुजरी होर हौसला दिंदी है नाले प्रेम दे विच। 13 पो नूं उदण दे वस्त्र नहीं बदले, माता गुजरी अज वस्त्र नाल ने, सोहणे चोले पाउंदी है, सीस ते कलंगी लाउंदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा रूप देखदी है उहनां विच। किते मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तैयार करना छोटी उम्र च, अज उहदे लाला नूं तैयार करके शहीद होण वास्ते भेज दी, कलंगियां ला के तोरिया। ते माता गुजरी शहीदियां याद कराउंदी है, ते अज अणथक सेवा कीती 3 दिन बाबा मोती राम मेहरा जी ने, दुध दी सेवा करदे रहे, सारा घर दाते लाता। फिर बाणी भी कहिंदी है ना, सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम गत पाई, वह परम गतियां नूं प्राप्त हो गए। ते अज बाबा मोती राम मेहरा जी खड़े देखते ने, ज्यों दवारां विच लाला नूं चिणदे जांदे ने, त्यों त्यों जपजी साहिब की आवाज़ उच्ची हुंदी जांदी है। बोलो सतनाम। क्यों इबादत नीहां ने, शहीदियां गुंबद ने, तां अज उत्थे गुंबद सोभदे ने। जदों शलोक बुला के फतेह बुलाउंदे ने, त्यों ही सात संगत
वजीर खां पिट कर लेंदे भी हुण तां दरबार विच चिणे गए शहीद हो गए, सां घुट के आप ही मर जाणगे। एक लाइट आकाश विचों कड़कदी है, चंद पल मिंटां विच ही सात संगत तों खड़ियां कीतियां होईयां कंधां नीहां डिग जांदियां ने। पर सात संगत जुलमी नूं तरस ना आया, वजीर खां ने जलादा नूं कहा, सात संगत साहबजादियां दे गलां ते कहिंदे इन्हां नूं मार दिओ जिउंदे ना रहण, सांह वालियां नाड़ियां कटवा के नाल वगदी हंसला नदी कोल सटाता। इधरों माता गुजरी नूं मोती राम मेरा आके रो रो दसदा है, तेरे टुट गए लड़ी दे दोवें मोती, मोती मेरा रो रो दसदा, तेरे टुट गए लड़ी दे माता मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। मेरा रो रो ज्यों ही गुरु माता गुजरी नूं इह गल दा पता लग्या, माता गुजरी भी सात संगत हैं ती ब्रह्मलीन होए, ते सात संगत उस तो बाद भी वजीर खां ने आले दाले सेना लाती। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह नूं पता लगे भी तेरे अज लालां दे थां ते इक दीवा भी नहीं जगदा, पर तुहानूं गुरु के प्यारे सेना दे हुंदे होए भी साध संगत उत्थे नीहां ते दीवा जगाउण जांदे ने, ते उह नीहां विच्चों वाहिगुरु सिमरन दी आवाज आउंदी है। साध संगत तों रोम किन्ना पवित्र होएगा जिन्हां नाल चंद पल मिंटां विच्चों मिट्टी दी बने होए साध संगत इट्टां विच्चों भी वाहिगुरु सिमरन दी आवाज आउंदी है, ते अज वी उह नीहां इक्को ही गल कहिंदियां ने, सिर दे दिओ तारे छो नीहां सिर दे दो तरम ना छो जी।
साका जिन की आशीष दिया पर सिर ना दिया, आज भी वो नीहा बिचो लाल हो। उते फिर महान कुर्बानी हंसला नदी ते राखी कीती शेरा ने, फिर दबान टोडर मल ने 78,000 सोने दियां मोहरां खड़ियां करके अज दुनिया दी सब तो महंगी जमीन गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब। वजीर खां कहिंदा जे संस्कार करना है तां मोहरां खड़ियां करके जिन्नी जमीन ते खड़ियां कर देंगा उन्नियां तेरियां। साध संगत फिर वो थोड़ी जी जगह है उत्थे फिर टोडर मल ने 78,000 सोने दियां मोहरां अशरफियां कहिंदे हुंदे खड़ियां करके ओ महंगी जमीन मुल लई वजीर खां तो ओ सोने सोने लाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। जिथे हसदी बादी आनंदपुरी विच ऐ खेडना चोज करने अजो लाल मोए पए ने बोलो सतना। अजो लाल धर्म दे उत्तों जाना वार गए किड्डी छोटी उम्र दे विच एडी एडिया महान कुर्बानियां कर गए। कहिंदे दीवान टोडर मल ने अपनी घरवाली नूं कहा वी क्यों ना आपां लालां दा संस्कार करिए, इन्नी माया की करनी है जे वह गुरु चरणा में ही भेट ना हो। कहते फिर मोड़ा खड़े करके वह जमीन उत्ते वह जमीन लई वजीर खां तो साध संगत साहबजादे तो माता गुजरी जी का संस्कार किया। संस्कार करन तो बाद फिर दीवान टोडर मल नूं तसीहे दे के परिवार नाल मारिया। दुध की सेवा करने वाले बाबा मोती राम मेहरा जी सात संग सारा परिवार 2-2.5 साल का बच्चा कोहलू च दे के पीड़िया बोलो सतना। पर सात संगत मोती राम मेहरा जी अपने बालक शहीद हुंदिया देख के खड़े ने, एक हंजू नहीं आ रहा, बस एको ही कहिंदे ने कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ता हर कै। मैं सफल समझदा मेरा सारा परिवार, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया मेरा सारा परिवार। ऐ गुरु सच्चे पातशाह कलगीधर पातशाह तेरे दर दे लेखे लग गया। इधरों फिर नूरा माही सारा जान दई हो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज टालियाणा साहब बैठे उत्थे जाके खबर दंदे नूरा माही कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे छोटे साहबजादे भी शहीद हो गए। माता गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी हूँ, लोको मेरा ना गुजरी। सात संगत जवानी पहरे अपने पति परमेश्वर साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज नो दिल्ली वाल तोरिया। सात संगत दिल्ली वाल तोरिया ते सात संगत अज बुढ़ी उम्र अपने छोटे छोटे लाला नो नीहां विच चिणदियां देख लिया। धन माता गुजरी ते सात संगत फिर उत्थे महाराज ने काही दा बूठा तीर दे नाल पट के बचन कीता। कहिंदे लो अज तो जुलम दी जड़ पट्टी गई बोलो सतना। जुलम दी जड़ पट्टी गई फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जानू माधो दास तो बंदा सिंह बना के ऐसा जज जुलम पढ़िया जिन्होंने सरहंद की इट दे नाल इट खड़काई। वजीर खां दे नाल रहो विचार फिर महाराज नूं दौले शाह फकीर आके मिलदा सारी वार्ता सुनदा। दौले शाह आके मिलदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तुसी अपना परिवार वारे है थोड़े मत्थे ते एक भी शिकर नहीं, ऐ दीन दुनी दे शहनशाह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे मैनू शहनशाह ना आखो, मैं तो परम पुरख दा दास हाँ। देखो एडी महान कुर्बानी करके भी दास इत्थे 1100 दे दिए तां भी स्पीकर पढ़ाउण वाले कर दिंदे आ भी फलाने ने 1100 दान कीता है। सरबंस वार के भी अपने आप नूं दास कहण वाला अपने लाला नूं अखी शहीद हुंदिया देख के भी दास कहण वाला वो आप की सी, परमेश्वर सी। ते दौले शाह फकीर आके अर्ज करदा सच्चे पातशाह किदे नाल प्यार तेरा दसी दशमेश पिता दशी दशमेश आए के फकीर इक अर्ज गुजारदा ना
नाल प्यार हुंदा दिल्ली वाल तोरदा भाई दिल्ली वाल तोरदा कुत्ता ना प्यार हुंदा जंग च ना वारदा माया ना प्यार हुंदा नदियां च रोड़दा ना नदियां च रो पुरी ना प्यार हुंदा नंद ना विसारदा हस बोले श्री दशमेश पिता श्री दशमेश पिता अमृत प्यारा मैनू खंडे वाली तारदा अगे दौले शाह फकीर नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ए दौले शाह फकीर मैनू तो ओही चंगा लगता रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं की गल जी अज मेरे चार लाल नहीं जी आउंदे मेरी बुढ़ी मां नहीं है साडे महल नहीं कहंदे आ इन्ने लाल नहीं तेनू बैठे नजर आउंदे ए मैनू मेरी जान नालों भी वध के प्यारे ने जिन्हां ने सिखी नू संभालिया होया है गज के बोलो जे मैनू प्यारा लगता है तां बस वो खंडे वाली तार दा अमरती प्यारा लगता है ते साध संगत सुहागण उही चीज लाउंदी है जिहड़ी पति नू सुहावे सिख उही कर्म करदा है जिहड़ा उहदे गुरु नू भावे हुण तुसी देख लो ना आपां सुहागणा चा ना भरण्यां च आउंदे आ बोलो सतनाम है कि असी चलते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसे सिद्धांतां ते जे कहीए तां अमर छक लो कोई गल नहीं जी उम्र बहुत पई है क्या बसासा इस भांडे का इतना कलग है तू दाता हो गया ये पता नहीं कदों खणक जाना है माड़ी जी चोट लगी नहीं तो सह निकले नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे मैनू तां मेरी रहणी विच रहण वाला सिख प्यारा लगता है कहन नूं तां सारी सिख बन जाने आ पर साध संगत स्वाद ता है जे सिख तो गुरु सिख दी पदवी प्राप्त करिए बोलो सतना आ केस दाढ़ी रंग लैने माफ करना भेड़ नू मुनन वास्ते चार बंदे फड़दे ने लत्तां तो ते साडे सिखां दे बच्चे आपदे आप नू मनाउण वास्ते सब तो पहलो नाई दी दुकान ते बैठे हुंदे ने सानू फड़न की लोड़ भी नहीं पैंदी बोलो सतनाम शहीदी दिहाड़े मनाने महाराज कहते ने शहर लिखता कहते जिनकी याद मनाते हो उनकी बात भी माना आ जिन्हां दियां यादां च बैठे हाँ छे पो तो लैके मैं 13 पो तक का सारा इतिहास थोनू सरवण कराता जे हले भी ये विचों कुछ रह गया समझ नहीं आता ते साडा फिर साध संगत किते भला नहीं है बोलो सतनाम जे तुसी हले भी आपां इह तों सिख्या ना लै सकीए मैं भी विच ही आ कहाउणा सिखां दे ते पूजणियां मड़ियां ते साध संगत हाथे तिलक हथ माला बाना रोगन राम ते परमेश्वर नूं खेड़ समझ लैणा भी किते सिखी ऐ मिल जूगी नहीं सिखी खंडे दी धार नालों भी तिखी है कदे चल के ता देखो जे अमृत छकोगे किते नाम दा अमृत ना हो जे ते साध संगत तो अमृत सदा लई अमरी हो जावो बोलो सतनाम वक्त गुजरान मिहर गुजर जाता है इंसान आता है आके मर जाता है
ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜੇ ਉਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸਮ ਕੇ ਫਾਨੂਸ ਜਿਨਕੇ ਮਹਿਲੋ ਮੇਥੇ ਝਾੜ ਉਨਕੀ ਕਬਰ ਪੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕਰ ਇਤਨਾ ਤਕਬਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਮਸੇ ਵੀ ਆਲਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜ ਗਈ। 1,00,000 ਪੂਤ 1,25,000 ਨਾਤੀ ਸਭ ਗਏ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਤਲੇ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਗਰਜਨਾ ਖਾਈ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਮਰ ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜੇ ਡੋਲ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤ। ਸੋ ਆਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਹੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੋ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਜੀਵਨ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਲੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਖੀ ਸਰਨ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਧੰਨ
ਸਾਧ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵਜੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਜਲਨ ਬੁਝੇ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਸਲੋਕ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਤ ਉਜਲੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਜੋ ਜਾਤ ਸੋਈ ਪਲ ਪਾਇਓ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।